दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना भारत, हांगकांग को पीछे कर हासिल की बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान, गरीबों और मध्यम वर्गीय 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए खुला मंदिर, पहली पारी में ही 50,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। जितना अलौकिक रूप उतनी ही भगवान राम की दिव्य सज्जा, 16 आभूषणों और हीरे माणिक से किया गया मंगल तिलक। अयोध्या मंदिर में रामलला की पूजा का विधान हुआ तय, सुबह 8 से 1 और शाम 3 से 10 बजे तक होंगे दर्शन। दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती, दिन के हिसाब से अलग अलग रंग में पहनेंगे बस। पीएम मोदी ने साझा किया अयोध्या दौरे का वीडियो, बोले जो कुछ कल हुआ वो हमेशा रहेगा याद। भाजपा के सांसदों और मंत्रियों ने शुरू किया अयोध्या दर्शन अभियान, 1,000 रुपए में दर्शन के साथ आना जाना और खाना होगा फ्री। अयोध्या बनेगा देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र, जेफ्रीज की रिपोर्ट के अनुसार हर साल आएंगे 5 करोड़ भक्त। धनुषकोडी को श्रीलंका से जोड़ने के लिए पुल बनाने की योजना, पर्यटन विभाग करेगा योजना में आ रही बाधाओं का आकलन। बाबा साहेब की जयंती पर अमित शाह ने किया नमन, शिवसेना संस्थापक को बताया प्रखर राष्ट्रवादी नेता। नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल ने बनाया नया बेंचमार्क, बना सबसे ज्यादा लाइव देखे जाने का रिकॉर्ड। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, असम सीएम ने राहुल के खिलाफ FIR के दिए निर्देश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम और केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले जनता देख रही है कि मुझे मंदिर जाने से रोक रही सरकार। राहुल गांधी ने असम सीएम के निर्देश पर किया पलटवार, बोले बैरिकेड तोड़े हैं कानून नहीं, हमें कमजोर मत समझना। पहाड़ समेत उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई गलन, ठंड से कांपे यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्य। NCR में मौसम विभाग का ठंड को लेकर येलो अलर्ट, कोहरे की मार से 26 जनवरी तक नहीं मिलेगी राहत। भारी ठंड के बाद भी उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ों से बर्फ गायब, हसीन वादियों में 7 गुना बढ़ी आग की घटनाएं। संसद में 1 फरवरी को पेश होगा देश का अंतरिम बजट, वित्त मंत्री के 9 बड़े फैसलों पर रहेगी बाजार की नजर। मिजोरम में हादसे का शिकार हुआ म्यांमार का सैन्य विमान, रनवे से फिसलने को बताई जा रही है हादसे की वजह। गाजा में इजरायली सेना पर हमास का बड़ा हमला, दहशतगर्द गुट के साथ लड़ाई में 21 सैनिकों की गई जान। भारत की स्थायी सीट का एलन मस्क ने किया समर्थन, बोले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अनुपम खेर को दिया भरोसा, बोले अयोध्या में राम आ गए तो कश्मीर में भी लौटेंगे हिंदू। राजभवन से मुस्कुराते हुए निकले सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर के साथ 40 मिनट तक हुई बातचीत। दिल्ली में एक साथ दिखे पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, नेताजी बोस की जयंती पर दोनों नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज कूनो नेशनल पार्क से आई फिर बड़ी खुशखबरी, मादा चीता ज्वाला ने 3 सावकों को दिया जन्म। राजपथ से तंगैल फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे वायुसेना के विमान, 1971 के युद्ध में दुश्मन देश की सेनाओं को दिया था करारा जवाब। आगरा में 24 जनवरी तक 8वीं तक स्कूलों को किया गया बंद, जिलाधिकारी के निर्देश पर 12वीं तक के छात्रों का बदला समय। भिवानी में रामलीला के मंचन में हनुमान को आया हार्ट अटैक, प्रभु श्री राम के चरणों में कलाकार ने तोड़ दिया दम। बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों के तबादले, सीएम के निर्देश पर SDO से आयुक्त तक के ट्रांसफर। श्री राम की मूर्ति लेकर बिना चप्पल अयोध्या से लौटे जैकी श्रॉफ, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ दिए पोज। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अध्ययन में किया बड़ा दावा, का संक्रमण के 86% मामलों में JN1 वेरिएंट जिम्मेदार। सरकार ने सोने चांदी और कीमती धातुओं का बढ़ाया आयात शुल्क, 10% के बजाय आयातकों को 15% देना होगा टैक्स। केस डायरी में अनियमितताओं को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, पुलिस को फटकार लगाने के साथ DGP को दिए निर्देश। CBI ने महुआ मोहित्रा के खिलाफ बढ़ाया जांच का दायरा, पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाने वाले वकील को बुलाया। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस, फाइनल रिहर्सल पूरा, फ्रांस के अधिकारी बोले भारत आना मेरे लिए सम्मान का विषय। पालघर में सिग्नल ठीक करते समय ट्रेन की चपेट में कर्मचारी, हादसे में 3 कर्मचारियों ने गवाई अपनी जान। बेंगलुरु की जिला अदालत ने तमिलनाडु सरकार को दिया आदेश, का कोर्ट को सौंपे पूर्व CM के सोने और हीरे के आभूषण। मराठा आरक्षण को मनोज जरांगे ने रंजन गांव से शुरू किया पदयात्रा, कहा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई तक जारी रहेगा मार्च। फरवरी में रामलला के दर्शन करने जाएगा पूरा असम कैबिनेट, CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने PM मोदी को दी बधाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश, 29 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 स्थानों पर माइनस से भी नीचे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान।
योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी को लगेंगे पंख। चार फिल्मी सितारों के बिडों के भाग का 27 को होगा फैसला। लद्दाख को पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। प्रमोशन पाकर मोतिहारी के 29 चौकीदार बने दफादार। जिला स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा पर डीएम ने दिए निर्देश। पत्नी की सहेली को लेकर फरार हुआ युवक गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद की कार्रवाई। रोहित शर्मा को मिली 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की कमान। विश्व विजेता कप्तान कमिंस प्लेइंग 11 में नहीं बना पाए जगह। बीसीसीआई ने जारी किया महिला प्रीमियर लीग का शेड्यूल। 23 फरवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट और 17 मार्च को फाइनल। शोएब मलिक को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का दावा। पिछले 3 साल से सना के साथ रिलेशनशिप में थे क्रिकेटर। बार बार ब्रेक लेने के कारण कोहली की हो रही आलोचना। बचाव में उतरे बीसीसीआई ने कहा निजता का करें सम्मान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।